स्वागत है आप सबका इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड के एकमात्र टेस्ट मैच के अंदर। अपन आमतौर पर क्या देखते हैं, 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, पर ये जो मैच है ये 4 दिन का टेस्ट मैच होने वाला है। लॉर्ड्स लंदन के ऊपर खेला जाएगा। मैच टाइमिंग है दोपहर के 3:30 बजे। यहाँ पे जो इंग्लैंड की टीम है इसने अपनी यहाँ पे प्लेइंग 11 डिक्लेयर कर दिया है, जिसके अंदर जॉश टेंगे डेब्यूटेंट है इस समर के। क्रिस वोक्स को जगह नहीं मिली, जेम्स एंडरसन रेस्टेड है, मार्क वुड अभी भी रिकवरी कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो यहाँ पे फाइनल एग्जाम से पहले रिवीजन चालू है। आपको पता है 16 जून से एशेज चालू होगी, जो सबसे मेन सीरीज है इंग्लैंड के लिए वो चालू होने वाली। तो इंग्लैंड की टीम यहाँ पे तैयारी कर रही है, तो आप कह सकते हो इंग्लैंड के लिए प्रैक्टिस मैच की तरह हो जाएगा ये। तो ये मैच है इंग्लैंड वर्सेज आयरलैंड के बीच में, देखने लायक गेम होने वाला है। और जो आयरलैंड की टीम है ये प्रैक्टिस मैच खेलेगी आ रही है एसेक्स के साथ, तो वहां पर किसने कैसा परफॉर्मेंस दिया था इसके बारे में बात करेंगे, इस वेन्यू के ऊपर प्लेयर्स के नंबर कैसे हैं इसके बारे में भी बात करेंगे, और पिच रिपोर्ट यहाँ पे क्या कह रही है कि लॉर्ड्स के ऊपर बॉल स्विंग होगी ये देखने लायक रहेगा। स्विंग तो हमेशा होती है, क्या यहाँ पे बैटर्स को हेल्प मिलेगी, जो आपके क्वेश्चन है ना वो सबको यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूंगा। आपको करना क्या है, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। मेरा काम क्या है, आपको बेस्ट कंटेंट देना। आप देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका फायदा क्या है, लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है यूट्यूब के ऊपर अपडेट देना मुश्किल हो जाता है, तो अपडेट्स में कहाँ पे दूंगा, टेलीग्राम पे दूंगा। जैसे पिच की फोटो आ जाती है, प्लेइंग 11 आ गई वहाँ पर, किस प्लेयर का क्या रोल हो सकता है, बैटिंग ऑर्डर में कुछ चेंजेस हो गए, ये सब आपको मैं टेलीग्राम पे बताऊंगा। जुड़ना कैसा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया हुआ, जाके ज्वाइन कर सकते हो। चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। तो लॉर्ड्स लंदन के ऊपर मैच है, ऐतिहासिक ग्राउंड है, बड़ा ही खूबसूरत मैदान है। यहाँ पर हर क्रिकेटर का सपना होता है कि लॉर्ड्स के अंदर आके खेले। तब देखो इस वेन्यू के ऊपर लास्ट मैच हुआ था 18 मई को, इसी साल, जी हाँ इसी मई महीने के अंदर 18 मई को मैच हुआ था मिडिलसेक्स वर्सेस सॉमरसेट के बीच में। कौन सा मैच था, काउंटी क्रिकेट का मैच था। जैसे अपने इंडिया के अंदर रणजी ट्रॉफी चलती है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपने शेफील्ड शील्ड ट्रॉफी सुनी होगी, इसी तरह अलग अलग देश के अंदर फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, ऐसे इंग्लैंड के अंदर होती है काउंटी क्रिकेट, जिसके अंदर आपने देखा होगा पुजारा स्टीव स्मिथ सब खेल रहे थे। तो देखो यहाँ पर मिडिलसेक्स और सॉमरसेट का मैच हुआ था। उस गेम में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। इस पिच के ऊपर पहली बात याद रखो, ग्रास रहती है, फास्ट बॉलर्स को हमें मदद मिलती है मोटा मोटा, ठीक है। अब देखें इस वेन्यू पे जो लास्ट टाइम मैच हुआ था उसमें फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स का स्कोर बताऊंगा आपको मैं, मिडिलसेक्स और सॉमरसेट का 404 बना 10 विकेट गवा के। फिर यहाँ पे सॉमर जो टीम बैट सेकंड करती है उसने 175 बनाया सेकंड इनिंग्स में, 186 बना, फिर 229 बना, 364 बना बैटिंग फर्स्ट, फिर यहाँ पे बैट सेकंड करते हुए 274 बना दिए, 267 बना, 170 बना बैट सेकंड करते हुए। तो यही यहाँ पे देखने को मिला है, स्पेशली फर्स्ट इनिंग्स के अंदर आपका जो पहला सेशन होता है, बॉल स्विंग होती है, लहराती है, बिग्स की जो बॉल होती है हरकत करती है वे के अंदर, तो इस वजह से आपको ध्यान देना है इस चीज़ का। जो टॉप ऑफ द ऑर्डर में बैटिंग करते हैं ना उन पे हल्का सा थ्रेट हो सकता है, अगर वो पहला सेशन अच्छे से खेल जाते हैं तो आराम से रन्स बनते हैं। लॉर्ड्स लंदन के अंदर सेकंड सेशन एक स्कोरिंग सेशन होता है, फिर थर्ड सेशन भी आप देख सकते हो ठीक ठाक स्कोरिंग होता है, फिर थर्ड सेशन के अंदर जब नई बॉल ले ली जाती है तब थोड़ा सा बॉल फिर से हरकत करने लग जाती है। यहाँ पर शाम के टाइम जब यहाँ पे थोड़ी सी हवा बहने लगती है तब फिर हवा की हरकत की वजह से बॉल भी ज़्यादा हरकत करने लग जाती है, क्योंकि आपको पता है नई बॉल मिल जाती है फिर आपको। अब देखें इस वेन्यू के ऊपर इंग्लैंड ने पिछले 2017 से 8 मैचेस खेले हैं इस वेन्यू के ऊपर, 3 टेस्ट मैच जीता है, 2 मैच ड्रॉ कराए और 3 मैच हारे हैं। यहाँ पे आयरलैंड की बात करें तो यहाँ पे एक मैच खेला था 2019 के अंदर, याद करो टिम मुर्टाक जो बॉलर था उसने 6 विकेट निकाला था, इंग्लैंड को 88 रन पे ऑल आउट कर दिया था, याद हो तो आपको पहली पारी के अंदर आयरलैंड ने, यही वेन्यू था वो। फिर मैं जैक लीच आता है सेकंड इनिंग्स के अंदर आके 92 बना के जाता, ओपन करवाया जाता उससे, तो ये वही वेन्यू है, वही कंडीशंस है। इस वेन्यू के ऊपर इस साल 4 मैचेस हुए थे समर के अंदर काउंटी क्रिकेट के, 2 मैचेस बैटिंग फर्स्ट, 2 मैचेस बैट सेकंड करते हुए जीते गए थे। इंग्लैंड का होम ग्राउंड है सब जानते हैं। और जो लास्ट मैच था मिडिलसेक्स सॉमरसेट का, उस गेम में 25 विकेट पेसर का था और 4 विकेट वहाँ पे स्पिनर्स का था। तो मोटा मोटा कहूँ पेसर फ्रेंडली विकेट है, स्पिनर्स को प्लेन्स में ना रखे तो ही बेटर है। अब देखो लास्ट 4 मैचेस में सीजन में क्या हुआ है, काउंटी क्रिकेट के अंदर 119 विकेट पेसर्स ने निकाला, सोचो 119, स्पिनर्स ने मात्र 12 विकेट निकाले, स्पिनर्स के सिर्फ 12 विकेट है और पेसर्स के 119 विकेट है, तो आप कहानी यही समझ सकते हो। मैं थोड़ा साइड होता हूँ, राइट आर्म पेसर का 119 विकेट था, लेफ्ट आर्म पेसर का एक भी विकेट नहीं था। वैसे काउंटी में लेफ्ट आर्म पेसर बहुत कम खेलता है ही नहीं ज़्यादा लेफ्ट आर्म पेसर इंग्लैंड के पास जो काउंटी खेलते हों। स्पिनर 4 विकेट ऑफ लेग स्पिनर्स का 4, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 4 विकेट था। अब चलते हैं यहाँ पे पिच के फोटोज की तरफ। लास्ट ईयर यहाँ पे 2 जून को, मतलब यही तारीख के आसपास ये मैच 1 जून को चालू होगा 2023 के अंदर, लास्ट ईयर यहाँ पे 2 जून को एक टेस्ट मैच हुआ था
2022 के अंदर इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का डे वन की पिच की फोटो है। मैंने 4 दिन की पिच की फोटो निकाल के रखी है। मैं सोचा भाई मैं फोटो निकाल के रखता हूँ, जब अपन कोई अगला टेस्ट मैच यहाँ पे कवर करेंगे तो फोटो को दिखा दूंगा आपको मैं। तो आप देखो जब ये डे वन था तब पिच एकदम ऐसी दिख रही थी उस टाइम पे, ठीक है। जूम कर दूँ आपके लिए मैं चाहिए तो, चलो मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा और आपको क्लैरिटी मिलेगी पिच कैसी दिखती है करके। ये देखो ऐसी पिच थी डे वन के ऊपर। डे टू की तरफ चलते हैं, डे टू की पिच की फोटो है। हल्के से यहाँ पे पैचेस बन जाते हैं हल्के से, वरना पिच डे टू पे भी एकदम वैसी ही थी जैसी हमेशा होती है। फिर चलते हैं डे थ्री की तरफ। डे थ्री पे पिच ऐसी हो गई, थोड़ा सा पैचेस और बने, और डे फोर पे भी मतलब पिच अच्छी लग रही है, होल्ड करके रख रही है पिच को ग्रास, ना आप देख सकते हो। मेरे को लग रहा है इस मैच में ग्रास थोड़ी ज़्यादा छोड़ेंगे, लग तो रहा है मेरे को, क्योंकि लास्ट ईयर जब आयरलैंड की सीरीज हुई थी यहाँ पे, जो एकमात्र टेस्ट मैच दोनों टीम के बीच में हुआ है, तो पिच पे ग्रास बहुत छोड़ी गई थी। ये स्टेडियम को अभी लॉर्ड्स का भाई, ये जो स्टेडियम है ना बड़ा खूबसूरत ये स्टेडियम है लॉर्ड्स लंदन, अपने मतलब हिस्टोरिकल इतिहास के लिए जाना जाता है। जो यहाँ का बालकनी देखते हो ड्रेसिंग रूम की तरफ, मतलब क्या स्टेडियम है भाई साहब, गजब का स्टेडियम है ये। सामने जो एंगल ऐसा बना रहता आपने देखा हो, ये ईए स्पोर्ट्स खेला किसी ने अपना, वो आता था 2007 का ईए स्पोर्ट्स का कंप्यूटर गेम, उसमें आता नहीं था ऐसा लॉर्ड्स का साइन वाला रहता था, मतलब गजब व्यू आता था उस टाइम, मैं भी खेलता था। इंग्लैंड की बात थे जॉनी बेयरस्टो मार्कवुड ड्रॉपसी कर रहे हैं, पर 11 में नहीं है। 4 दिन का टेस्ट मैच है ना कि 5 दिन का। आयरलैंड की तरफ से बैरी मैकार्थी अभी भी रिकवरी कर रहे हैं। जॉश टंगे डेब्यूटेंट है फ्रॉम द इंग्लैंड टीम। दोनों टीम्स ने एक ही टेस्ट मैच खेला आज तक, 2019 में खेला था, उसको इंग्लैंड ने जीता था। इंग्लैंड की 11 की बात करते हैं तो उन्होंने तो कंफर्म कर ही दिया था, जैक क्रॉली ओपन करेंगे बैन डकेट के साथ, ओली पॉप आते हैं, जो रूट है, हैरी ब्रुक, बैन स्टोक्स, जॉनी बेयरस्टो यहाँ पे नीचे खेलेंगे, कीपिंग भी करने चाहिए मोस्टली। लेट्स सी, जॉनी बेयरस्टो कीपिंग करते हैं, ओली पॉप मोस्टली बेयरस्टो करने चाहिए, रेगुलर कीपर है वो, ओली पॉप ज़्यादा कीपिंग नहीं करता है। स्टुअर्ट ब्रॉड है, जैक लीच, मैथ्यू पॉट्स, जॉश टंगे आपको यहाँ पे खेलते हुए दिखेंगे। अब चलते हैं बेंच प्रेट्स, फोक्स, एंडरसन, रॉबिनसन, बैन फोक्स, मार्कवुड, इसमें से 2-3 तो इंजरी कंसर्न से क्लियरली दिखता है। ऑली रॉबिनसन इंजरी से वापसी कर रहे हैं, मार्कवुड वापसी कर रहे हैं, फोक्स को भी थोड़ा आराम दे रहे हैं, एंडरसन तो एक सीनियर प्लेयर है इसलिए इनको भी रेस्ट दिया जा रहा है, तो लॉजिकल चीज़ें दिख रही है। बस बैन फोक्स को बाहर किया थोड़ा अजीब लगा मेरे को, अच्छा प्लेयर है वैसे वो। आयरलैंड की बात करते हैं, इनका भी कंफर्म रहेगा ये 11। पीटर मूर ओपन करते हैं हमेशा टेस्ट के अंदर, जेम्स मैकुलम के साथ, दोनों राइटी बैटर्स हैं, एंड्रू बिलब्रायनी, हैरी टैक्टर, पॉल स्टैलिंग, लॉकन टकर, कर्टिस कैम्फर, पूरी टीम राइटी बैटर से बड़ी, एक भी लेफ्टी बैटर नहीं है इस टीम के अंदर, बॉलर भी लेफ्टी नहीं है कोई। जॉर्ज डॉकलेल मतलब बॉलिंग करने वाला कोई बॉलर भी लेफ्टी बैटिंग नहीं करता, कहने का मतलब। डॉकलेल राइटी बैटर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर। मार्क आदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम हेड टू हेड के अंदर बहुत अच्छा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस था। क्रेग यंग, ग्राम हमें आपको खेलते हुए यहाँ पे दिखने चाहिए। अब चलते हैं एंडी एमसी ब्रायन, मैथ्यू फॉस्टर, थॉमस मेज एंड फियर हैंड बेंच पे बैठने चाहिए। प्लेयर के स्टैट्स की तरफ चलते हैं, जैक क्रॉली की बात करेंगे। इस रनिंग के ऊपर 5 मैच के अंदर 96 रन बना चुके हैं, हेड टू हेड नहीं खेला। इस बार मैंने टेस्ट के अंदर प्लेयर्स का फॉर्म ऐड करा, देखो इसका रिसेंट फॉर्म 19 और 34 किया। आपको पता है जो प्लेयर्स रेड बॉल की क्रिकेट खेलते हैं, लाल कलर की बॉल से जो क्रिकेट खेलते हैं, फर्स्ट क्लास या टेस्ट हो गई, उसके अंदर आपको 2 बार बैटिंग मिलती है, इसलिए मैंने एंड करके लिखा हुआ है। 7 एंड 56, 11 एंड 0, 170 0 12, 91 3 2 24 4 28 17। तो बस एक अच्छी बारी आई है, ये कौन सी वाली, 170 वाली और एक 91 वाली, वरना आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पिछले 9 टेस्ट मैचेस या फर्स्ट क्लास गेम्स के अंदर दोनों को ऐड करते हैं तो सिर्फ 2 ही बार चला ही है, तो कंसर्न रहा है। जैक क्रॉली को यहाँ पे जवाब भी देना पड़ेगा कि ये टीम में क्यों जगह बना रहा है, वरना बहुत बड़ी दिक्कत है, जैक क्रॉली से रन्स नहीं बने रिसेंटली। बैन डकेट का 4 मैच में इस वनी पे 270 रन है, 39 की औसत है, 1 सेंचुरी 7 इनिंग्स में, बड़ा एक खूबसूरत प्लेयर है बैन डकेट, बढ़िया टेक्निक है इसके पास, इंपॉर्टेंट होगा। 39 5 और 8 177 और 7 75 और 15 24 और 51 9 और 33 84 और 25, हर मैच में कंसिस्टेंटली आपको 100 रन करता हुआ दिखता है दोनों इनिंग्स को ऐड करके, तो वैल्यू तो दे ही देगा आपको। ओली पॉप द रन मशीन ऑफ इंग्लैंड, 5 मैचेस के अंदर इस वनडे के ऊपर 219 रन से 27 की औसत है, 159 इनिंग्स में। ये स्टैट्स इतने जस्टिफाई नहीं करेंगे इनके नंबर्स, क्योंकि पहले डाउन द ऑर्डर खेला करते थे। फॉर्म 34 26 47 8 91 एंड 122 नाबाद, 13 38 10 14 42 49, तो अच्छा प्लेयर है, लेट्स सी क्या करता है। जो रूट यहाँ पे हेड टू हेड खेल चुके हैं, 33 रन कर चुके हैं हेड टू हेड के अंदर, वेन्यू के ऊपर 19 मैच में 50 की औसत है,
और 1700 रन से 6 विकेटें यहाँ पे, 21 कैच पकड़े हैं स्वैनी के ऊपर, ये भी मैंने लिख दिया आपके लिए। 5 शतक है यहाँ पे, 6 अर्धशतक है 36 इनिंग्स के अंदर। 19 मैच तो खेला पर 36 बार बैटिंग कर चुका है स्वैनी के ऊपर ये। फॉर्म 153 नॉट आउट, 95 प्लस, 1 विकेट, 14 रन, 57 एंड 77 रन, 1 विकेट। ये भाई जो प्लेयर है ना, जो रूट है, गजब का प्लेयर है। आते हैं रीब्रोक, हेड टू हेड नहीं खेला वेन्यू के ऊपर, 1 मैच में 38 रन से, लास्ट 10 मैचेस के आईपीएल के रहे, वरना टेस्ट के अंदर इसमें जो स्टार्ट किया भाई साहब, ऐसा कोई स्टार्ट करता नहीं है रीब्रोक जैसा। बेन स्टोक्स 13 मैचेस के अंदर वेन्यू के ऊपर 904 रन है, 38 की औसत है, 33 विकेट है इस वेन्यू के ऊपर, 2 शतक, 7 फिफ्टीज है 25 इनिंग्स के अंदर, अच्छे फिगर्स हैं इनके भी। फॉर्म देखो, 27 रन, 33 रन, 19 एंड, 31 रन, 2 विकेट, 26 एंड, 35 प्लस, 0 विकेट, 30 एंड, 41, 41 एंड, 0 प्लस, 1 विकेट है। अच्छा रहा है इसका ठीक ठाक फॉर्म, लेट्स सी कैसा खेलता है इस वेन्यू के ऊपर इस कंडीशंस में। कैप्टन इंग्लैंड का जॉनी बेयरस्टो, हैड टुडे के अंदर 0 रन, 2 इनिंग्स में 0 पे आउट हुआ था, जो इसने टेस्ट खेला था लास्ट टाइम, 2 इनिंग्स में 0-0 पे आउट हुआ था। वेन्यू के ऊपर 15 मैचेस में 950 रन से, 38 की औसत है, 1 शतक है इस वेन्यू के ऊपर, 7 अर्धशतक से, 28 इनिंग्स में, और 38 कैच पकड़े हैं। कीपिंग करेगा तो आपको अच्छे खासे कैच के पॉइंट्स देगा ये। फॉर्म 27 एंड, 26, 20 नाबाद एंड, 0, 97 एंड, 57, 49, 0 एंड 18। तो फॉर्म भी इसका ठीक ठाक रहा है, अभी यॉर्कशायर के लिए खेल के आ रहा था ये काउंटी के अंदर। स्टुडबोर्ड का 7 विकेट प्लस 24 रन था एटवुड के अंदर। वेन्यू के ऊपर 29 मैच में 113 विकेट्स और 1000 रन है। स्टुडबोर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा विद द बैट विद द बॉल। फॉर्म भी बड़ा डिसेंट है, 4 विकेट, 1 विकेट, फिर 2 विकेट है, 7 विकेट है, 2 विकेट है, 5 विकेट, 1 विकेट, 5 विकेट, 7 विकेट, 4 विकेट। मैथ्यू पॉट साइड टू एड नहीं खेला वेन्यू के ऊपर, 2 मैचेस में 9 विकेट है, और इसका फॉर्म देखें ऐड करके बता रहा हूँ, 6 विकेट और 8 विकेट, 8 विकेट, 6 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 5 विकेट। वैसे बहुत अच्छा प्रदर्शन हो रहा है मैथ्यू पॉट्स का रिसेंटली, 4-5 5 विकेट निकाल रहा है हर मैच के अंदर ये, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है मैथ्यू पॉट्स भी आपके लिए। जैक लीच का 1 मैच में 92 रन, 0 विकेट है। फिलहाल मैं अपनी स्मॉल लीग टीम में इनके लिए जगह नहीं बना पाऊंगा। वेन्यू कीपर 9 मैचेस में 21 विकेट्स है, कोई खास इंप्रेसिव नंबर्स नहीं है। फॉर्म देखो, 2-2-1, अभी रिसेंटली इसी साल इसने यहाँ पे खेला था, जो मिडिल सेक्स वर्सेस सोमरसेट का लास्ट मैच था ना, मैंने आपको बताया था ये पिच रिपोर्ट के अंदर कि यहाँ पे लास्ट मैच हुआ था, कितनी तारीख को, 18 मई को, या 18 मई को खेला था जैक लीच, और इसके अंदर कुछ रिसेंटली कितने विकेट निकाले थे ये देखो आप, 4 विकेट निकाले थे उस मैच के अंदर, इसके सबसे रिसेंट स्टेट्स, 4 विकेट निकाले थे भाई ने जैक लीच ने उस पूरे मैच के अंदर जो लास्ट टाइम यहाँ पे मैच हुआ था काउंटी का। 1 विकेट, 6 विकेट है, 2 विकेट है, 1 विकेट, 4 विकेट, 8 विकेट, पर वो सब इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान वो सीरीज हुई थी बांग्लादेश, वो सब में किया था इसने। जॉस टंगे की बात रहते हैं, फर्स्ट क्लास के अंदर 47 मैच में 162 विकेट निकाल चुका है, और अच्छा बॉलर है, जाना जाता अपनी टाइट लाइन लेंथ के लिए और ठीक ठाक पेस के लिए। 0 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट, 4 विकेट, 8 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, मतलब इतने कोई तगड़े स्टैट्स नहीं है कि आप टीम में रखी लो इस बंदे को। पिछले 2-3 मैचेस में 4-5 विकेटें निकाले हैं भाई ने। ऑली रॉबिन्सन बेंच पे बहुत तगड़ा प्लेयर होता है, एंडरसन भी बेंच पे है, क्रिस वोक्स बेंच पे, मार्कवुड बेंच पे, स्टार्टिंग ओवर स्टुडब्रॉड और मैथ्यू पॉट्स डालने चाहिए। जॉर्ज टंगे को भी नई गेंद दी जा सकती है इंस्टेड ऑफ मैथ्यू पॉट्स। पीटर मूर इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलेंगे यहाँ पर पहली बार, हेड टू हेड नहीं खेला वेन्यू भी नहीं खेला। फॉर्म देखो, 37 रन, 118 ये बनाया था इसने इस सेक्स के अगेंस्ट प्रैक्टिस मैच के अंदर। ये प्रैक्टिस मैच का स्कोर कार्ड है जहाँ पे मैंने एरो मार्क और अंडरलाइन किया है। उससे पहले अगेंस्ट श्रीलंका, इन श्रीलंका 5 एंड 19, 14 एंड 0, 1 एंड 16, तो लेट्स सी कैसा खेलता है। कंडीशंस यहाँ पे अलग है श्रीलंका से। जेम्स मैकुलम वहाँ पर आपको थोड़ा लो रहना पड़ता है स्पेशली एशियन कंडीशंस में, क्योंकि बॉल क्या पता बाउंस ना ले, स्पिनर्स होते हैं तो आपको थोड़ा सा झुक के खड़ा रहना पड़ता है। यहाँ पे कंडीशंस ऐसी नहीं है, यहाँ पर बॉल भाई साहब उड़ती भी आती है, सन्नी करके निकलती कान के साइड में से। जेम्स मैकुलम का 30 रन है, हेड टू हेड और वेन्यू के ऊपर, इसे वेन्यू के ऊपर इसने लास्ट टाइम टेस्ट मैच खेला था 2019 के अंदर। फॉर्म ठीक ठाक रहा है, 6 रन, शतक इसका भी आया था इस सेक्स के अगेंस्ट, 10 एंड 10, 35 एंड 8, 15 एंड 0। एंडी बुलब्राइनी 60 रन थे इस वेन्यू पे, 55 किया था लास्ट टाइम जब खेला था, 1 इनिंग्स के अंदर और दूसरी में 5 किया था, मेरे को अभी भी स्कोर कार्ड पूरा याद है। और फॉर्म देखो, 0, 95 एंड 46, 0 पे आउट हुआ था रिसेंटली ये जो एसेक्स का अगेंस्ट प्रैक्टिस मैच था। हैरी टेक्टर हेड टू हेड वेन्यू निकला, फॉर्म देखो, 4, 0 विकेट, 18, 85, 34 रन, 42, 50, 56, तो ये अच्छा टेक्निकल साउंड बैटर हैरी टेक्टर, बड़ा नाम इसने कमाया पिछले 1-2 साल के अंदर।
स्टर्लिंग लोकल बॉय ऑफ मिडल सेक्स, अगर आपने प्लेइंग इलेवन ध्यान से देखी हो भाई, जिसकी आंखें तेज हो सब समझ जाता है। ये देखना, जब मैंने प्लेइंग इलेवन दिखाई थी तो यहाँ पे आपको होम ग्राउंड का साइन दिखा होगा पॉल स्टर्लिंग के साइड में, तो मैं ऐसे नहीं लगा था मस्ती मस्ती में, कुछ सा रीजन होता है समझा करो। तो अब देखो पॉल स्टर्लिंग का 36 रन है हेड टू हेड के अंदर, तो वेन्यू कीपर 16 मैच खेल चुका है, मिडिल सेक्स के लिए खेलता है, ये मिडिल सेक्स का होम ग्राउंड है लॉर्ड्स। 586 रन है, 27 की औसत है, यहाँ पे एक शतक, 250 है 23 इनिंग्स के अंदर, कोई इंप्रेसिव नंबर्स नहीं है, पर रिसेंटली फॉर्म इसका अच्छा रहा, 107 रन, 103 रन, श्रीलंका में भी आई थिंक शतक बना के आए हैं ये, तो लेट्स सी। लॉकन टकर 97, 80 रन, 13, 45, 6, 37, 108, बढ़िया, टेक्निकल साउंड बेटर है, बहुत सॉलिड इसकी टेक्निक है, ट्राई करो उसको भी। कर्डस कैम्फर 16 एंड 20 रन, 1 विकेट, 111 एंड 12 1 विकेट, 0 एंड 30 2 विकेट है, 34 रन 1 विकेट है, फिर से लिखो तो कीपिंग करेगा लॉकन टकर मोस्टली, पीटर मुरम्स को एक कर सकता है, लेट्स सी कौन करता है यहाँ पर, जो कीपिंग करे उसको टीम में रख सकते हो आप, जैसे कि लॉकन टकर ज़्यादा इंप्रेसिव प्लेयर है एज कम्पेयर टू पीटर मूर, डाउन द ट्रैक डाउन द ऑर्डर आके खेलता है। डॉकरेल 74, 26 रन 1 विकेट, 2 रन एंड 32 रन 1 विकेट है, नीचे खेलेंगे, लेट्स सी कैसा प्रदर्शन आता है। मार्क आदिर ने लास्ट टाइम मैच टू डे था 6 विकेट निकाला था सेम इसी वेन्यू के ऊपर, और अभी रिसेंटली प्रैक्टिस गेम में इसने 62 और 85 रन बनाए थे ईसेक्स के अगेंस्ट, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। क्रेग यंग 1 विकेट और 0 विकेट है, ग्रैम अमेगा 5 विकेट प्लस 0 विकेट है, एनडीएम सुरैन ने भी खेला था हेड टू हेड लास्ट ईयर, 0 विकेट निकाला था, रिसेंट फॉर्म 67 रन प्लस 3 विकेट, 45 रन प्लस 1 विकेट एंड 17 रन प्लस 1 विकेट, और ये दोनों को जोड़ दो तो 101 रन प्लस 7 विकेट, वो सब था एशियन कंडीशंस में। मैथ्यू फॉस्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, थॉमस मैस ठीक ठाक डाल लेते हैं, लेट्स सी। फ्योन एंड भी अभी प्रैक्टिस मैच खेले थे, 48 रन किया था उसमें प्लस 3 विकेट निकाले थे। स्टार्टिंग और मार्क आदिर और क्रेग यंग को डालना चाहिए, नई गेंद के स्पेशल मास्टर्स है, मैंने मैचअप साइड नहीं करा, ये दोनों टीम्स ने सिर्फ इतिहास में आज तक एक टेस्ट मैच खेला है, तो एक टेस्ट मैच के स्टेट्स में आपको क्या दिखाऊंगा वहाँ पे मैचअप्स के अंदर, इसलिए मैंने वाइड नहीं किया। और साइन अप कर लेना विजन इलेवन पे, ₹500 फ्री साइन अप बोनस मिलता है, फायदा यहाँ पर खेलने का, एंट्री फीस कम है, जीरो कमीशन कॉन्टेस्ट देखने को मिलता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखो ₹100 एंट्री फीस है, 7 लोग खेलेंगे, 7 × 7 होता है ₹700, पूरा प्राइस पूल आपको बांट दिया, ₹1 कमीशन नहीं लिया। ऐसे कॉन्टेस्ट हर मैच में हर स्पोर्ट्स में लाइव होते हैं, फुटबॉल वॉलीबॉल कोई भी गेम हो, एंट्री फीस लोएस्ट है, ट्राई करके देख सकते हो, रेफर कोड स्टैट्स गुरु, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। कॉमन कैप्टन जो रूट स्टोर्ट ब्रॉड, ये दो स्पेशल नाम्स होंगे, इवन स्टोर्ट ब्रॉड को आप कैप्टनसी पिक से हटाना शायद ना चाहो। मार्क आदिर बैन डेकेड भी इंपॉर्टेंट है, मार्क आदिर मैंने एकमात्र यहाँ से आयरलैंड के प्लेयर का नाम ऐड किया, मार्क आदिर में क्लास है, उसकी बॉलिंग भी बड़ी खूबसूरत है, बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेता है, रिसेंटली ईसेक्स के अगेंस्ट प्रैक्टिस मैच के अंदर कुछ 150 रन मार के आ रहा है दोनों इनिंग्स को मिला के। बैन डेकेड भी सॉलिड टेक्निकल बैटर है, हैरी ब्रुक थोड़ा नीचे आएगा, अपन ये भी उम्मीद नहीं कर सकते बैटिंग आया ना आए, क्योंकि जिस तरह का ब्रांड खेल रही है अभी बेसबॉल जैसा इंग्लैंड, तो कुछ भी हो सकता है। मैथ्यू वॉट्स आपका कॉल रहेगा एज ए वाइस कैप्टन, ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग्स के अंदर, इंपॉर्टेंट तो है टीम के अंदर, तो जगह बनानी पड़ेगी उसके लिए। 1 मिलियन का मिशन देखते कब पूरा होता है, जो स्टैट्स मैंने आपको वीडियो में दिए सब आपको चाहिए तो जाइए अपना मोबाइल ऐप है स्टैट्स उड़ी नाम से, और वेबसाइट है statsudi.com जाकर स्टैट्स चेक कर सकते हो। और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना, टोटल 50 स्लाइड्स इस वीडियो के अंदर आपके लिए मैंने मेहनत से ऐड करी है पूरी, आप पूरा ये देख सकते हो, मतलब कितना टाइम लगता है स्लाइड्स वगैरह ऐड करने में, प्लेयर की फोटो लगाने में, पिचेस की फोटो निकालने में, मैंने पूरा डेटाबेस बना रखा है पिचेस का, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो टीम्स की बात करते हैं, तो फिलहाल यहाँ पे मैंने कैप्टन किया हुआ स्टूड ब्रॉड को, वाइस कैप्टन मेरे पास मैथ्यू पॉट्स है, मैं जोरूट को भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 रन से हेड टू हेड के अंदर जोरूट के, स्टोक्सी को टीम में लिया है, स्टोक्सी या फिर आप देख सकते हो जॉनी बेयरस्टो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। स्टोक्सी शायद थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर सकते हैं, आईपीएल में तो उन्होंने मतलब मोस्ट ऑफ द पूरा सीजन बेंच पे बिताया था, तो मेरे को लग रहा है स्टोक्स रिकवर कर गए होंगे यहाँ पे, तो ओवर भी करने चाहिए थोड़े बहुत, तो 5-6 ओवर का स्पेल हो सकता है पूरे मैच के अंदर, तो लेट्स सी। मैंने लॉकन टकर को जो पंत लिया है, लास्ट टाइम जो सीरीज हुई थी अगेंस्ट श्रीलंका उसमें भी कीपिंग इन्होंने करी थी लॉकन टकर ने, तो कीपिंग यही करनी चाहिए। बैन डेकेट एयर स्पेशल प्लेयर, इसको ड्रॉप नहीं कर सकते, ऑली पॉप भी बड़ा एक क्लासी बैटर है, रन मशीन बोलते हैं इसको डोमेस्टिक के अंदर। हैरी ब्रुक इंपॉर्टेंट रह सकता है, तो फिर यहाँ पे जो रूट है हैरी टेक्टर को लिया मैंने, फिर यहाँ पे कर्डस कैम्फर, मार्क आदिर को ड्रॉप नहीं कर सकते आप, कर रहे हो तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, आपका फिर दिन रात आप बच जाओगे वरना भाई मुश्किल है, बहुत तगड़ा प्लेयर है ये।
अब चलते हैं कीपिंग के अंदर। तो आपके पास चार ऑप्शन से चारों मैच में आपको खेलते हुए दिखेंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट बैन डकेट आता है इस लिस्ट में। फिर आप देखते हो जॉनी बेरिस्टो भी बहुत अच्छा पिक है, डाउन द ऑर्डर आएगा, अटैकिंग मैनर में खेलने वाला जॉनी बेरिस्टो, तो कुछ भी करके जा सकता है, ट्राई कर सकते हो आप। लॉकन टक मैंने दो रीजंस की वजह से लिया है, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक रहा है टेस्ट के अंदर, अच्छा टेक्निकल साउंड बेटर है, बढ़िया टेक्निक से खेलता है बंदा, और कीपिंग करेगा, कीपिंग से आपको पॉइंट दे सकता है इजीली। कॉट बिहाइंड होते हैं ना टेस्ट के अंदर, बॉल इनसाइड ही लगती है कीपर के हाथ में जाती है, ऐसा सीन होगा। पीटर मूर आपका कॉल ओपन करेगा, लेट्स सी। जो रूट हैरी ब्रुक इंपॉर्टेंट है, हैरी ब्रुक लेट्स सी कैसा खेलता है। कुछ आप रिस्क लेना चाहते हो तो हैरी ब्रुक के बदले आप जैक क्रॉली भी ले सकते हो, अगर आपको लगता है इंग्लैंड ही पूरा मैच निकालेगी, एक तरफा जीतेगी, तो ये सिनेरियो बना सकते हो। सिनेरियो बेस्ड टीम बनाओ, ये भी हो सकता है कि इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करती है और दूसरी बारी में बैटिंग करने की जरूरत ही ना पड़े, फॉल ऑन दे दे सीधा। तो आप अलग अलग सिनेरियो बेस्ड टीम बनाओ, जिस वजह से मैं हमेशा बॉलर्स को कैप्टन करता हूँ, क्योंकि आयरलैंड ने दो बार तो बैटिंग करनी है इस गेम में, अपन ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब देखें बुलब्राइन ही है यहाँ पे, ये भी बहुत बढ़िया टेक्निकल है, पर इस मैच में मेरे को स्टर्लिंग थोड़े ठीक लग रहे हैं, रीजन मैं समझाता हूँ स्टर्लिंग का। इस वनडे पे बहुत क्रिकेट खेली इसने, लॉर्ड्स के ऊपर काउंटी खेली यहाँ पे मिडिल सेक्स के लिए, तो इसको एक्सपीरियंस इस वनडे पर। ट्रैक्टर बिकॉज ऑफ हिज ऑलराउंडर स्किल्स प्लस बैटिंग भी अच्छी, टेक्निक भी अच्छी, उसकी इस वजह से टीम में लिया है। बैन स्ट्रोक्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, बस बॉलिंग थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, बैटिंग शायद नीचे आएगी इनकी। इसके बदले फिर आप जॉस टंगे को लेकर जा सकते हो, बैन स्टोक्स के बदले मैं लास्ट मिनट कॉल लूंगा, जॉस टंगे या फिर बैन स्टोक्स, देखते हैं मैं किसको लेता हूँ। कार्टस कैम्फर को टीम में लिया हुआ है, ग्रैंडली खेल रहे हो तो डॉकरेल को ट्राई करना, बहुत स्मार्ट क्रिकेटर है। मार्क कादिन इंपॉर्टेंट है, स्टुअर्ट ब्रॉड इंपॉर्टेंट है, ये दोनों स्मॉल लीग में ड्रॉप नहीं करना। क्रेग यंग, अगर आयरलैंड पहले गेंदबाजी करती हो तो आप एक्स्ट्रा बॉलर ले सकते हो क्रेग यंग को या फिर ग्राम हमी को। मैं फिर मैथ्यू पॉट्स के साथ जा रहा हूँ, और मेरा लास्ट मिनट कॉल बेन स्टोक्स या फिर किसी एक प्लेयर को निकाल के जॉस टंगे को लेने का हो सकता है। तो देखते रहे स्टैट्स, रुचि लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। सी सून, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर दिस बिग क्लैश, बढ़िया मैच आपको देखने को मिलेगा, सोनी के ऊपर ये मैच आने वाला है, तो सी सून, जय हिंद।